ये और इसमें फ़र्क, इसमें और इसमें फ़र्क, आपके पास पैलेट्स होनी चाहिए, या एक पैलेट हो जिसमें दो तीन पहले रंग बना लें या उसी वक्त साथ मैनेज कर लें। तो ये सारे तजर्बे जो है ना आपको साथ साथ ही होने हैं, ठीक है। अब ये सेकंड आपने बॉक्स थोड़ा बड़ा रखा, थोड़ा सा हमने इसको स्लाइटली नीचे रखा हुआ है, मतलब स्लांटिंग में रखा हुआ है ताकि पानी नीचे आए। पानी नीचे इसलिए नहीं आ रहा, जहाँ पे देखो वो नहीं ठहर सकता ना, बर्निशिंग अच्छी है, वहाँ पे वो पानी खुद ही नीचे ट्रेवल करता है। और जो जो आपकी सरफेस की स्पेस बड़ी होती जाएगी, आपको पानी, आपको ब्रश बड़ा रखना पड़ेगा और पानी उसमें ज़्यादा ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब ये देखें वहाँ पानी ठहर जाता है, पानी हमने ठहरने नहीं, परफेक्ट होगा आपका वॉश, परफेक्ट होगा आपकी लाइन की प्रैक्टिस, परफेक्ट होगी आपकी, जो आगे मैंने इसके बाद इसके ऊपर भी काम कराना है वो आपका परफेक्ट होगा। तो आपका जो आर्ट पीस है ना, असूलन ये पानी यहाँ पे आके ना ख़त्म हो जाना चाहिए। एक्स्ट्रा पानी को हम, मैं उठा रही हूँ, ये देखो ये मुझसे गलती हो रही है कि मैंने उसके ऊपर थोड़ा ज़ोर से लगाया, गीला करके। ये आप लोगों से सबसे होने प्रॉब्लम्स, माफ़ी है जी, माफ़ी है, बार बार गलती करने की माफ़ी नहीं होती, एक आध दफ़ा की माफ़ी होती है। समझ आई? यस मैम। अब मैं उसको इवन करना है ना, होना नहीं ये चाहिए असूलन, लेकिन मैनुअल काम में गलतियाँ हो जाती, परफेक्शन और पेशेंस मांगता है, ठीक है। अब अगर इसको मैं साफ करके पानी को, फालतू पानी को यहाँ पे निकाल लो, कपड़े पे निकाल लो, ये जो साइड है ना इसको हम उठा लें। अव्वल तो ये नीचे आना ही नहीं चाहिए, नहीं जी, साफ हो गया। कोशिश करें कि बाहर ना आए, और यही इसी बात की आपसे प्रैक्टिस कराना।